एवरीवन आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं होस्ट आपका दोस्त मैं आपके लिए कौन है वीडियो कौन है टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइकवर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है टीवीएस रॉनिन 225। टीवीएस रॉनिन पर काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना या प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जिसमें क्रैश गार्ड वगैरह, सैडल स्टे, टॉप रैक, सीट वगैरह, वाइजर हो गया, मीटर की सेटिंग वगैरह हो गई। जैसे कि मीटर आपको पता है साइड में आता है तो सेंटर में करने का सेटिंग, ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ें इसमें एड ऑन कर चुका हूं। और आज भी जो वीडियो है वो भी है टीवीएस रॉनिन 225 पर। देखते हैं इसमें आज क्या नया करने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट, सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आपको भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता है। Y'all want things, but what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीवीएस रॉनिन पर मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाता रहता हूं और जब भी कुछ नया अपडेट आता है आप लोगों का शेयर करता हूं। तो कुछ नीडफुल मॉडिफिकेशन है जो आप लोगों को बाइक लेने के बाद इनफैक्ट सबसे पहले कराना चाहिए, तो वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर क्रैश गार्ड। और क्रैश गार्ड जो है ना ये कंपनी का है, जेन्युइन है और स्पेशली हमारे पास ही अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको लगा तो रहे हैं लेकिन उनके पास इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं है। वो फिटिंग क्या है और इस तरफ से आओगे तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो जो ये वाला पार्ट है ये इसे गुटका कह सकता हूँ, उसकी फिटिंग कह सकता हूँ, तो ये बहुत ही जेन्युइन चीज़ है और इसको स्पेशली बनवाया गया है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं बनवाओगे तो रीज़न ये रहता है। ये आप इंजन देख रहे हो तो ये इंजन जो है ये इसमें टच होगा अगर ये नहीं होगा तो, जिसकी वजह से कभी अगर बाइक गिरेगी भी तो पहले तो ये क्रैश गार्ड ही आपके इंजन को डैमेज कर देगा। पहली चीज़ स्क्रैच वो तो लगेंगे ही लगेंगे और इसकी जो फिटिंग है वो भी बिगड़ जाएगी, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा पूरे के पूरा क्रैश गार्ड स्पेशली बनाया गया है। इसके लिए क्या होता है कि पूरी तरीके से बाइक को छोड़ना पड़ता है 2-4-5-10 दिन के लिए, ताकि प्रॉपर तरीके से उसकी जो है इंस्टॉलेशन हो और प्रॉपर काम हो पाए। तो जैसा कि आप दोस्तों डिजाइनिंग वगैरह हो गए, दो स्लाइडर मिल गए, ये स्लाइडर इसलिए होते हैं कि बाइक गिरती है तो ये सारा इंपैक्ट इस पर आता है और आपका क्रैश गार्ड भी सेफ रहता है। बाइक तो जो छोड़ो वो तो है ही सेफ, क्रैश गार्ड पर भी कुछ नहीं आता। और ये कभी मान लो थक गए आप तो आप राइडिंग के दौरान इस तरीके से पैर भी रख सकते हो, तो ये क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा इस बाइक का सबसे महंगा है सस्पेंशन, ये यानी कि जो फ्रंट में सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपेंसिव रहता है। तो उस केस में क्या होता है, इसकी सेफ्टी के लिए 4 स्लाइडर इसमें डाउन किए गए। इनकेस कहीं बाइक गिरेगी तो आपकी डिस्प्ले सस्पेंशन वगैरह का कुछ नहीं बिगड़ता है। एक 4 स्लाइडर और भी आता है जो कि इस जगह पर लगता है, तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है अगर आप उसको लगवाना चाहते हो तो। सस्पेंशन गार्ड आप कह सकते हो उसको। अब आते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वाइजर लगा रखा। वाइजर की काफ़ी सारी वैरायटी और भी हैं लेकिन ये जो इसमें मॉडिफिकेशन है ये कस्टमर की चॉइस के हिसाब से है। काफ़ी लोग अच्छा लग रहा हो, काफ़ी लोगों को सिंपल अच्छी लगती है, तो अपनी अपनी पसंद रहती है। और यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर है जो बहुत ही हैवी क्वालिटी का विद चार्जिंग के साथ, यानी कि आपको सिर्फ USB केबल लगानी है, दैट्स इट। और ये अनब्रेकेबल है, कभी टूटता नहीं है और ऐसा फ़ोन आप लगा सकते हो किसी भी तरीके से। ये इसको आप ऐसे करोगे ना लूज़ तो ये खुल जाएगा और इसके इसमें आप अपना फ़ोन होल्ड कर सकते हो। अब आते हैं बैक साइड में, तो बैक साइड में अगर आप यहाँ देखोगे तो सैडल स्टे लगा रखा है, इसकी प्रॉपर फिटिंग है। और इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि आप जो है टॉप रैक लगवाते हो तो टॉप रैक के अंदर कनेक्टिंग होती है सैडल स्टे की, तो ये बिना टॉप रैक की कनेक्टिंग है इसकी और सैडल स्टे यहाँ पर लग गया। इस पर आप चाहो साइड पैनल से लगा सकते हो या फिर अगर आप लोगों को जो है सैडल बैग्स डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। फिटिंग आप देख सकते हो इसकी। और एक यहाँ पर लगा रखा है बैकरेस्ट जो कि पिलन राइडर है, यानी कि जो पीछे बंदा बैठेगा उसकी सेफ्टी के लिए, सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक ही रहेगा, बार बार पकड़ना नहीं पड़ता, तो ये हो गया। और इस तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेडीज़ फुट रेस्ट होते हैं, आप लोग चाहो तो आपने इंटरसेप्टर में देखे होंगे, इस जगह पर लगते हैं 2 फुट रेस्ट, एक इस साइड लगता है और एक लगता है इस साइड में, तो वो भी आप लगवा सकते हो। बाकी इसमें जो नीडफुल मॉडिफिकेशन जैसे कस्टमर की चॉइस थी उस हिसाब से कर दी गई है। बाकी आप चाहो उसमें सीट कवर वगैरह हो गया, PPF लेमिनेशन हो गई वो भी लगा रखी है। और एक यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं, ये जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा आपको, कभी बाइक गिरती है तो आपके जो लीवर्स वगैरह ना डैमेज नहीं होते, क्लच एंड लीवर्स वगैरह बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, सारा इंपैक्ट इस पर आएगा। तो ये वाला पार्ट होता ही होता है, जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा भीड़ में बाइक चला रहे हो तो किसी का हाथ लग गया तो उस तरीके से किसी का जो है ब्रेक दब जाता है, तो कभी क्लच दब जाता है, तो उस केस में ये इस तरीके की चीज़ लगाई जाती है। तो ये तो हो गई आपकी मॉडिफिकेशन टीवीएस रॉनिन की। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप लोगों के पास किसी और तरीके का ऑप्शन है या किसी और तरीके की बाइक मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो वो भी करा सकते हो। और टीवीएस रॉनिन की काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो भी जाके एक बार जरूर देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचोगे वो ऑलरेडी बन चुका है। तो ये था आज की वीडियो में, मैं तो आपसे विदा, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक लेटर देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।